इतना जोश, क्या बात है। ये लाइट थोड़ी सी मेरी आंखों में कम कर दो लाइट वाला भैया, मुझे इन लोगों के चेहरे देखने हैं, कम कर दो मेरी आंखों में कम कर दो। ਤੈਨੂੰ
चलो ओ कोई टेक्निकल दिक्कत है अभी सॉल्व कर रहे हैं अंकित भैया, समझ आएगी बात आप। तेनू नी खबर तेरिया नजर मेरिया सदर मिठा मिठा दे गया चिट्टा इश्क दे फुल लगे पर
ऐसी गुस्ताखी। एक होगी गुस्ताखी गरीब तो तेरे नैना नू मैं तकिया करीब तो। ये बहुत दिलचस्प कहानी है कि जब ओ एनसीसी वाला कैंप लगा था ना, मैं बैठ गया था जाके उसके पास बेंच पे कॉलेज में। तो जब मैंने पहली बार इतनी पास से देखा ना उसकी आंखों में, तब ये शायर जाग गया और ये शेर का जन्म हुआ। एक होगी गुस्ताखी गरीब तो तेरे नैणा नू मैं तकिया गरीब तो, और की मैं मंगना नसीब तो तेरे नैणा वाले मैं खाने मिल गए। दारू मेरी दवा दारू हो गई, सारे नशियां ते भारू हो गई, जान कटी जावे मारू हो गई, मुक दे जड़े खजाने मिल गए। Come on.
ਸੀਟ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੱਜੀ ਤੀਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਗੀਤ
हो जाओ महाराज में नहीं गाता गुड मेरी सुनो बात देखो ऐसा मैं मान जाऊंगा लव यू इतना प्यार मैंने नहीं सोचा था मुझे लगा था यहां सारे हिंदी बोलने समझने वाले हैं पर यार आप लोग पंजाबी समझते कैसे हो अगर मैं पंजाबी में बात करूं तो कितने लोगों को समझ आ जाएगी ओके ओए सभी पटेले से आए क्या और की हाल चाल है आगा भैया ये तो सारे अपने लोग हैं ठीक है तो रुक जा कौन कौन है जो प्रपोज करने से डरता है आप सबके लिए स्पेशल गाना जिससे मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी इस इंडस्ट्री में लेट मी सिंग क्या लैंड दे Thank you.
इतनी खुशियां एकदम साथ में। ये बंदा बहुत खुश आगे बैठा है। हेलो आऊंगा आऊंगा दोस्तों जी। केड़ा केड़ा भाई लिबास मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, अभी आ रहा है, अभी उसको पहुंचने में देर लगेगी। देर बैठ जाओ, अभी देर लगेगी उसको। हाँ ठीक है भाई। टेम्परेरी प्यार बहुत बार हो गया मैंने जो होता टेम्परेरी होता है, सारा परमानेंट कदम नहीं होता। कोशिश बात करिए दिल तो रोड़ दी मेरा भी नहीं टूटता भाई, स्टील है सेम टू सेम। Oh, yeah.
कैसा लगा? अब मेरा टेम्परेरी प्यार सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं परमानेंट ना हो जाऊं मैं, ठीक है। अरे चलो मैं आ जाऊँ, फिर मिलते हैं बाबू। दसो जी क्या सुनोगे? क्या हौले हौले? ठीक है हौले 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 कहा उन्होंने भाई, वो बंदा बैठा सामने उसने कहा कि हौले हौले, मैं सच बोल रहा हूँ कसम अरिजीत की। चलो कैसे था भाई? Hola, hola.
दसो जी, मेरा डायरेक्टर साहब पूछ रहे हैं कि कौन सा गाना करना है। मेरे जैसे बंदे यहाँ पे बहुत मिले हैं और उसके जैसी कोई नहीं मिलेगी। मेरे वर्गे बहुत मिलेंगे, उसके वर्गी कोई नहीं। जेड़ी कहानी मैं सुनाने लग्या वो कदे भी हुई नहीं। चलो भाई मेरे वर्गा, ओए चलो जाओ मेरे वर्गा, मेरे वर्गा मजाक कर रहे। हाँ सीरियसली यार,
चला जाऊंगे और गाऊं और गाऊं, वो कह रहा चला जा, नहीं नहीं कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। हाँ भाई सिद्धू, क्या बात है, इसी चीज का इंतजार था मुझे। सिद्धू का गाना रुक जाओ भाई, क्लिक करो कौन रहे सिद्धू, सिद्धू का गाना गाने के लिए ना उसके जितना कद, उसके जितनी छाती चाहिए, उसकी आवाज एक थी एक ही रहेगी, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। कोई भी गाय उसका गाना कोई भी कॉपी कर ले, चाहे कोई उसका टू वर्जन या कॉपी बन जाए, पर वो ओरिजिनल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सिद्धू जिंदा रहेगा। हाँ जी, मैं ना मैं खामोश रहता हूँ कुछ बातों को लेकर, क्योंकि वो मुझे उदास कर देती है। अच्छा बना हुआ माहौल, किसी को नहीं पता कि मेरी सिद्धू से कैसे बात थी या होती थी या नहीं होती थी, मेरा उससे रिलेशन कैसा था, पर कभी कभी चुप रहा नहीं जाता। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा, एक लाइन गाने की दो पैट देना बस पैट अभी। क्योंकि सिर्फ ऐसी घटना में सिर्फ कोई एक फील्ड जिम्मेवार नहीं हो सकता, जितने गैंगस्टर उतने नेता उतने पुलिस, सब मिलके उतनी पब्लिक, एक दूसरे पे उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होता। तो जो जो कसूरवार है उनको लाइन है कि
चलो जी कुछ सूफियां ना सुना दें आपको। Yeah.
बताओ आप कौन सा गाना सुना? लिबास है? लिबास ऑर्डर किया था वो आ चुका है। कौन गया वो? बिल्लो पंखे पे लिया हुआ की करूँ वाली किन्नियां दे लिस्ट च दिल रहंदे पौने पकिने कबाउने महीवाल।